ऐसी बीबी कहाँ मिलेगी? कोई नहीं करता अंदर तो आजकल तो बॉयज बॉयज कपल होते हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग, उठ गए हम लोग, लेट उठे, एप्पल कट कर रहा है, एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे। हाँ फिर मॉर्निंग में तो एप्पल चाहिए ना भाई, बिना एप्पल के दिन स्टार्ट नहीं होता अपना। नाश्ता नहीं हुआ अभी, एप्पल ही है। ये लड़ रहे हैं अभी यार, कब से क्यों लड़ रहे हैं? मतलब नोक जोक चलते रहते हैं। सब बोल रहा कि मैं तुम्हारे बिना कहीं जाता नहीं, और ये बोल रहे कि नहीं अभी तुम जाओ, कभी लड़कों के साथ भी घूमो। मतलब ऐसी बीबी कहाँ मिलेगी जो बोल रही लड़कों के साथ घूमो? हाँ कल रात में पार्टी पार्टी में भी यही बोल रहे थे, क्या मैं नहीं आऊंगी अगली बार, तुम मतलब बॉयज बॉयज पार्टी करना। बॉयज कैसे पार्टी करेंगे? स्टैक्स स्टैक्स को कोई अलाउ भी नहीं करता अंदर। तो आजकल तो बॉयज बॉयज कपल होते हैं। ये हम थोड़ी ना है वैसे। बोलने में क्या जा रहा है? चलो भाई चलो ना, अभी आ जाते हैं। मुझे सब कुछ तैयार होना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, मैं अभी नहाने जा रही हूँ। चलो ठीक है, कहाँ चलने का? सो वी हैव लंच, डायरेक्ट लंच करते हैं। यस आज चल के बिना आज चलो भाई। तो लड़के कैसे, अगर लड़के ज्यादा भाव खाती है, वाइफ को भाव देना चाहिए। अगर अगर तुम अगर सिंगल हो और मतलब शादी नहीं हुई और ज्यादा भाव खा रही, तुम्हें भाव देना चाहिए। नहीं भाई फिर आप भी भाव खाओ, दोनों भाव को इक्वली भाव खाना चाहिए। फिर देखते हैं कि ज्यादा भाव किसको मिलेगा। अभी अपन लोग नई जगह जाएंगे, नई जगह न्यू प्लेस। और भाई मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगा, तुम बहुत खिला के ला के। नहीं नहीं आज हेल्दी एंड लेस ऑयली, वेरी टेस्टी। तुम ये ना खुद खा के बॉडी बना रहे हो और हमारे को मोटा कर रहे हो। नहीं नहीं मेरे गाल ऊपर आ गया। एज यूजुअल पानी पूरी स्टार्टर रहेंगे अपना। क्या है भाई ये है कैरेमल चॉकलेट बर्फी। ये खाने के बाद भी एब्स बनते हैं? देखो भाई टेंशन लेने का नहीं, खाते रहने का। ये तो फिर मतलब ही क्या है, खाते रहो फिर खेलो खाओ। और वर्कआउट नहीं करने का, फिट नहीं रहने का, दबा के वर्कआउट करने का। इसके बाद ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है ये सब खाने के बाद। तो ये थाई येलो थाई करी डोसा और तंदापुरी इडली चटनी विद सांभर। ये हमारा लंच है क्योंकि हम उठे लेट, तो अब लंच का टाइम आ गया डायरेक्ट ब्रंच। ओके चाय भी नहीं पिया, एक एप्पल खा के आ गए। अच्छी चीज़ खिला था भाई, नाइस। तुम्हारे साथ रहने का ये एक फ़ायदा है कि तुमको खाने का टेस्ट पता है, खाने की चीज़ें पता है, पता है। और मैं फूडी नहीं हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता। खाने के बाद मन भर गया था, मन। चलो ये ख़त्म करते और फिर निकलते घर पे। मैम वड़ा पाव खाएंगे, पुणे का गार्डन वड़ा पाव, फेमस वड़ा पाव। वड़ा पाव खाने के लिए लाइन लगाई जाती है, देखो। तो हम लोग आए एमजी रोड पे गार्डन वड़ा पाव खाने, तो आपने मसाला टाक। तो मेरे पीछे है गरवारे चौक, अभी एफसी रोड के पास में गरवारे चौक है, वहाँ पर हूँ मैं। आचल के साथ कुछ सामान लेने आया था। और क्या ट्रैफिक और क्या चेंज हो गया यार, जे एम रोड एफसी रोड पूरा बदल गया है। ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद आया हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वैसे 5 साल के बाद एक दिन के लिए आया था मैं, तो बहुत टाइम हो गया। हम लोग यहाँ से एमजी रोड जाके जे एम रोड जाकर पूरा घूम कर आए, पूरा 2 घंटे लगे हमको जाकर आने में। ये देखो लाइटिंग लेकर आए और ये कुछ फूल्स कर लाए दिवाली की तैयारी, क्योंकि जितने भी बिल्डिंग में आप देख रहे हो सब में लाइटिंग लग गई है।
और ये ब्लॉग लेट है, दिवाली के बाद ही आने वाला है। ये दिवाली है 12 तारीख और आज है 9 तारीख, ये ब्लॉग आप दिवाली के बाद ही देखने वाले हो। ये लाइटिंग बिठाई थी तो पकड़, और ये सब यहीं पड़ा है, बाद में रख देंगे। तो ये है हमारा डिनर, दाल तड़का चावल, एक एप्पल खाया मैंने जी। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन मतलब सादा खाना, सादा खाना उसको सात्विक भोजन बोलते हैं। सात्विक भोजन मतलब घर का खाना, कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, तो घर के खाने से तो कभी नुकसान ही नहीं होता है ऑब्वियसली। जो सब हमारे साधु संत खाते हैं, नॉर्मल घर वाले खाते हैं। वाओ वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल। सो भाई मेरा हो गया सुबह का डिसाइड, जा रहे हैं। मत जाओ, मत जाओ, तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ। साथ में यार फिर वो एक दिन और एक्स्ट्रा गाड़ी मिल गई 5 बजे की, सनराइज देख के जाएंगे। सनराइज नहीं होता, और अच्छी बात क्या है कि मेरे एरिया का बंदा है, घर तक कार में छोड़ेगा। सो गाइस, 3 दिन से पुणे में था गौरव के घर पे, हमने काफी एंजॉय किया, घूमे फिरे, पार्टी करे, मस्त चिल करे। और पुणे अभी पहले से बहुत बेहतर हो गया है। 10 साल पहले जब मैं आता था यहाँ पुणे में रहता था, तो उस टाइम पे पुणे इतना मतलब बहुत कुछ नहीं था, पुणे में मेट्रो नहीं थी, बहुत सारी जगह ब्रिज नहीं थे, और ये NIBM वाला एरिया तब डेवलप हो रहा था, उंदरी वाला जब एरिया डेवलप हो रहा था, अभी सब डेवलप हो गया बहुत, अभी और बढ़ रहा है, और इधर का एरिया NIBM ज़्यादा बेटर हो गया है। तो पुणे में अगर रहना है तो पुणे अभी इंडिया में सबसे अच्छी और सेफेस्ट सिटी, अगर और क्लीनेस्ट सिटी, वैसे क्लीन सिटी तो इंदौर है, बट पुणे भी बहुत क्लीन है, रोड बहुत अच्छे हैं, धूल मिट्टी नहीं है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, और यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, यहाँ की लाइफ बहुत हैपनिंग है, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत कुछ है पुणे में। और पुणे एक ऐसी सिटी है जहाँ पे इंडिया के हर कोने की हर सिटी का बंदा यहाँ पे रहता है, सब मिल बांट के रहते हैं, बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब मिल के रहते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर इंडिया में कहीं अच्छे से मतलब सेटल होना है, तो मुझे लगता है मेरे लिए, आप लोगों का नहीं, मेरे लिए, मेरा ओपिनियन है, तो पुणे है। औरंगाबाद के बाद अगर मैं कहीं शिफ्ट होना चाहूँगा तो वो पुणे सिटी है। ओके, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट तो नहीं होऊंगा, बट अगर मौका मिलेगा तो, बट अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। ठीक है, अभी ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।